भारत के प्रधानमंत्री जिस सरकारी विमान से यात्रा करते हैं उसका नाम इंडिया वन है। इसे एयर इंडिया वन भी कहते हैं। बोइंग कंपनी ने तकरीबन 3 साल पहले भारत को 777-300ER मॉडल के 2 खास विमान बनाकर दिए। ये दुनिया के सबसे स्पेशल विमानों के तौर पर जाने जाते हैं। ये तस्वीर 2 साल पहले की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास सरकारी विमान वन इंडिया से अमेरिका गए थे। इस यात्रा में जाते हुए उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की। मोदी का ये विमान बहुत ही ज्यादा खास है। जिस तरह अमेरिका और रूस में राष्ट्रपति के लिए अलग खास विमान होते हैं जो अत्याधुनिक सुरक्षा से लेकर संचार प्रणाली और आरामदायक सुविधाओं से लैस होता है, ये विमान वैसा ही विमान है। इस विमान का नाम है इंडिया वन। पीएम दूसरी बार इस खास विमान से अमेरिका गए हैं। ये बोइंग 777 मॉडल का एकदम नया विमान है जिसकी डिलीवरी भारत को पिछले साल अक्टूबर 2020 में मिले। इस तरह के 2 विमान भारत ने अमेरिका बोइंग कंपनी से खरीदे। ये 2 इंजन वाला विमान है। इसके इंजन GE90 फिलहाल विमान में इस्तेमाल होने वाले सबसे पावरफुल इंजन है। इस विमान का इंटीरियर तो खास ही है, इसमें बाहर एक ओर हिंदी से भारत लिखा है और दूसरी ओर इंडिया। विमान पर अशोक चिन्ह बना हुआ है। ये देश का VVIP विमान है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी कर सकते हैं। फिलहाल इस विमान को इंडियन एयरफोर्स के पायलट ऑपरेट करते हैं। विमान एक बार ईंधन भरने के 17 घंटे तक उड़ सकता है। इसमें आपात स्थितियों में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। अगर सुरक्षा और संचार तकनीक की बात करें तो ये बेजोड़ है। इसमें ऐसे सिस्टम लगे हैं जो विमान को हल्के से तो बचाते ही हैं, साथ ही इसकी ओर आने वाली मिसाइल हमले की दिशा भी बदल देते हैं। चूंकि विमान मिसाइल सिस्टम से लैस है, लिहाजा इससे तुरंत आक्रमण भी किया जा सकता है। ये विमान दुश्मन के रडार को उड़ान के दौरान जाम भी कर सकता है। विमान में कॉन्फ्रेंस रूम, शयन कक्ष, VVIP पैसेंजर कक्ष, मेडिकल सेंटर, महत्वपूर्ण लोगों के लिए सीट की व्यवस्था, इसका इंटीरियर भारत की सलाह पर बोइंग कंपनी ने किया है। विमान का रखरखाव एयर इंडिया की इंजीनियरिंग विंग करती है। ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर IAF के सुपुर्द रहता है। पहले भारत में एयर इंडिया के 747 जंबो विमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए विशेष विमान का काम करते थे। ये विमान में खास लोगों के लिए बैठने और बातचीत का कक्ष है। भारत ने 2 खास विमानों के लिए अमेरिका से फरवरी 2020 में डील की। इसकी डिलीवरी जुलाई 2020 तक होनी थी लेकिन कोरोना के कारण इसका भारत आना टल गया। ये अक्टूबर 20 में अमेरिका से सीधे भारत पहुंचे। कहा जा सकता है कि हवा में उड़ता हुआ ये विमान किसी मजबूत किले की तरह है। दुनिया में बहुत कम राष्ट्र प्रमुखों के पास ऐसे विमान हैं। हवा में आमतौर पर इस विमान की स्पीड 569 मील प्रति घंटे की होती है। ये विमान बोइंग का 777-300ER मॉडल है।